गैस आई एम बैक सो इससे पहले कि मैं आज का वीडियो स्टार्ट करूँ एव इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स लाइन डब गैट का नया बी सी डबल ए आ गया गैज विच मीन्स इट हैज सिक्सटी सर्विंग्स के अंदर साठ सर्विंग्स मिलेंगी आपको टू ट्रिपल नाइन में मिल जाएगा आपको कॉटन कैंडी फ्लेवर है दो तीन और इंटरेस्टिंग फ्लेवर है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रहा हूँ यू वॉन्ट चेक एड आउट ऑल सो दस थिंग देट हैज हिट माई स्टोर इज किंग वे बाय आर सी रोनी कॉलमन अगेन पीनट बाटर फ्लेवर इसमें आपको और भी फ्लेवर मिल जाएंगे ये भी बहुत अच्छी चीज़ है यू डोंग ऑन मिस आउट स्टार ऑन बी पी आई जैसे आप पीछे देख सकते हैं ये सारी डील्स तो हैं है, इनके साथ आपको फ्री बीज मिलेंगे गुडीज मिलेंगे हर प्रोडक्ट के साथ दैट्स माईरेंस दैट्स माई टू यू बट अगेन फॉर दैट यू हैव टू ऑर्डर सो आज गाइज आज के वीडियो में मैं इट्स इट्स अ रेस्ट डे और रेस्ट डे पर मैं आपके साथ कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करना चाहता हूँ जो शायद किसी भी ट्रांसोमिशन वीडियो में अब तक शेयर नहीं हुई है जहाँ तक मैंने वीडियोज़ देखे आपने देखे हो तो मुझे बताइएगा विच इज साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की एक ट्रांसफॉर्मेशन के साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं आप, आप सोचो कि साइड इफेक्ट्स क्या होते होंगे कि यार ये ड्रग्स लेते हैं लोग या कुछ भी नॉट अबाउट दैट मैं आपको दो तीन चीज़ ऐसी बताऊंगा जो कि जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करें जो वट आई एम गोइंग थ्रू जो मेरे साथ हमेशा होता है ट्रांसफॉर्मेशन में जब भी मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ सो दीज दीज आर सिम्टम्स ये uh, एक तरीके से यू नो दे टेक अट्रोल ऑन योर बॉडी आपको बहुत पोश करते हैं आपके माइंड को बहुत ही डिस्टर्ब और बहुत ख़राब कर देते हैं विच मीन्स कि यू नो यू वॉन्ट गिव अप यू नो आप कई आपके ऐसे मूड सिंस होने शुरू हो जाते हैं कि आपको लगता है कि यार ये मैं क्या करूँ सो हेयर आर दो साइड इफेक्ट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे सो ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल गैस आप अपने आप को पुश कर रहे हैं यू नो विच मीनस आप अपनी बॉडी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आप एक्सट्रीम चीजें करते हैं आपकी एक्सट्रीम ट्रेनिंग जैसे आप वीडियो फॉलो कर रहे हो मेरे एक्सट्रीम ट्रेनिंग एक्सट्रीम डाइट एक्सट्रीम सप्लीमेंटेशन तो जब चीज़ें इतनी एक्सट्रीम होंगी तो बॉडी आपकी कैसे रिएक्ट करेगी वो भी एक एक्सट्रीम वे में रिएक्ट करेगी सो इसलिए साइड इफेक्ट नंबर वन इज़ इरीटेशन आप शुरू के 15-20 दिनों में आप इतने इरीटेटेड प्रॉब्लम वन मंथ तीस दिन आप इतने इरीटेटेड रहोगे कि आपको लगेगा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ आपके लोग पीपल अराउंड यू विल फील दैट कि यार ये क्या कर करें जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ मेरे इतना इरीटेशन होती है हर चीज़ को लेकर कि, कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ नॉट बिकॉज ये ये गलत है या सही है बट दिस इज़ नॉर्मल विथ ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज आप अपनी आप एक नॉर्मल खाना खा रहे थे आप एक नॉर्मल पैटर्न जी रहे थे सडनली आपने गेयर शिफ्ट करा और अब आप, आप सडनली आप दूसरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं विच इट इटा स्ट्रिक्ट डाइट इट इटा स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत चीज़ें डिसिप्लिन हो गई हैं और आपकी बॉडी यूज़ टू नहीं हो पा रही यूज टू होने के लिए इट इज़ शोइंग दोज विड्रॉल सिम्टम्स और उसका एक विड्रॉल सिम्टम्स है इरीटेशन इसीलिए आप इरीटेशन रहते हैं सो कभी भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करोगे फर्स्ट मंथ यू विल ऑलवेज़ बी इरीटेटेड सो दैट्स वन नंबर टू दूसरा साइड इफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन का आपको मिलेगा मूड स्विंग्स आप देखिए कि आप क्या आप जैसे अगर आप डाइट देख रहे हैं मेरी ट्रांसफॉर्मेशन की दिस इज क्रेजी डाइट चिकन ब्रेस्ट और अंडे चिकन ब्रेस्ट और अंडे आप बताओ खा खा के आप बोर हो जाओगे बोर होने के बाद योर बॉडी क्रेव्स फॉर काब्ज कार्बोहाइड्रेट्स बिकॉज आप हमारी बॉडी उसी पे जिंदा है और इतने सालों से कंडीशन ही वही है कि काब्स खाती है सरली जब उसको काब्स नहीं मिलेंगे तो क्या होगा यू नो यूल गेट पिस्ट ऑफ कि आपका इरिटेशन तो होगी ही हो होगी उसके बाद मूड स्विंग्स सडनली आप अच्छा, अच्छा फील कर रहे हो एंड इमीजिएटली यू डिप आपकी एनर्जी एकदम डाउन हो जाएगी और आप बिल्कुल ही अपने शेल में चले जाओगे यू डो वांट टू डू एनीथिंग सो मूड स्विंग्स ट्रांसफॉर्मेशन का एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है और गाइज जैसे जैसे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती जाएगी आप देखेंगे कि ये मूड स्विंग्स और बाजारा होते जाएंगे क्यों होते जाएंगे क्योंकि आपकी डाइट एक्सट्रीम होती जा रही है आपकी ट्रेनिंग एक्सट्रीम होती जा रही है तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस पार्ट कि आप अपने माइंड को काबू में रखिएगा बिकॉज जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है हम अपनी फिजिकली तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं लेकिन माइंड से ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते हैं बिकॉज हमें लगता है कि यार माइंड को क्या ज़रूरत है वो तो नॉर्मल ही है लेकिन गाइस इस हर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपका माइंड नॉर्मल नहीं रहता वो बहुत ही अलग टेंजन में चला जाता है जिस तरीके से हम आपके हमारे आसपास के लोग होते हैं हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में लोगों को अपने साथ के बहुत अपसेट करते हैं अपने दोस्तों को सबको अपने मूड स्विंग से अपनी इरीटेशन से दैट्स दो द टू साइड इफेक्ट्स नंबर थ्री जो सबसे बड़ा साइड uh, इफेक्ट uh, मुझे नज़र आता है हर ट्रांसफॉर्मेशन का विच इज़ रेस्टलेसनेस आप बहुत रेस्टलेस होते हो कि रातों को नींद नहीं आती बिकॉज आप देखते हो कि जैसे अभी हमारी सप्लीमेंट्स भी चल रहे हैं कई ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिसमें कैफीन बहुत ज़्यादा होता है और आपकी आपकी डाइट भी बहुत लिमिटेड रहती है रात को भी काब्ज़ नहीं होते तो आपका नींद का एक पैटर्न बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है कि आपको समझ नहीं आता नींद नहीं आएगी अब आपको नींद नहीं आएगी आपकी बॉडी में काब्ज़ नहीं जा रहे हैं मूड स्विंग्स आपको हो रहे हैं इरीटेशन आपको हो रही है तो ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं तो आपका रिएक्शन ये बाहर आएगा ही आएगा और जो आपको रिएक्शन आएगा सो यू विल बी द फोर्थ साइड विच इज़ गॉन अभी एंगर और वह एंगर इतना भयानक इतना ख़तरनाक होता है कई लोग आपने देखा होगा और गाय इस बार मैंने रॉय्ड्स नहीं डाले अगर आप इसमें रॉयड्स डाल देंगे ज़्यादातर ट्रांसफॉमेसन लोगों की रॉयड्स के साथ भी होती हैं तो वो तो खैर नेक्स्ट लेवल ही ले जाएगा आपके एगर मैनेजमेंट को अलग ही उसको दिशा दे देगा दे अलग ही डायरेक्शन दे देंगे इसीलिए जब भी आप ट्रांसफार्मेशन देखते हो गए लोगों की इट्स अ फुल टाइम जॉब लेकिन फुल टाइम जॉब का मतलब है कि वो सुबह ट्रेनिंग करें शाम को ट्रेनिंग करें दोपहर में रेस्ट करें और उनके पास कोई नहीं आप तो उनको छेड़ता उन्हें पता है कि ये बहुत ही एक्सट्रीम डाइट पे इनको छेड़ने का मतलब है ट्रिगर करना लेकिन गाइस प्योर पीपल लाइक यू एंड मी जो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं उनके लिए ये फुल टाइम जॉब नहीं हो सकता इसीलिए गाइज़ आप अपने जितने भी आपके जो इश्यूज़ हैं ट्रांसफॉर्मेशन के जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत रियल इश्यूज़ हैं एंगर इरिटेशन मूड स्विंग्स लैक ऑफ स्लीप रेसलेसनेस ये बहुत नॉर्मल सिम्टम्स है अब आपको करना क्या इन सिम्टम्स को आपने जान लिया अगर आप भी मेरे साथ ट्रांसफॉर्मेशन करें आपके अंदर भी यही ज़्यादातर आ रहे होंगे यही साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे होंगे अब आपको अपने माइंड पर काबू पाना है कैसे पाना है नंबर वन गाइज़ अगर आपको कभी भी ऐसा कुछ ख्याल आ रहा है तो यू नो फाइंड यू सेल्फ टू बी प्रोडक्टिव यू नो अपना ध्यान हटा लीजिए दूसरा अगर आपको भूख लग रही है पानी पी लीजिए बिकॉज आपको एक एक थोड़ा हद तक ही आपको खाना खाना है अगर आपको और आपने अगर और, और एक और आपने चीज़ देखी हो अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन में अगर आप अपनी डाइट फॉलो नहीं करते और ख़राब हो जाती है तो आप और भी ज़्यादा गुस्से में आते हो कि आपको लगता है कि यार इतना एफर्ट डाला मैंने चीट क्यों करा नहीं करना चाहिए था सो कई चीज़ें ऐसी आपको ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जो आपको एक अच्छा इंसान भी बनाती है आपको डिसिप्लिन कर देती है लेकिन ज़्यादातर लोग ट्रांसफॉर्मेशन से गाइस बहुत ही ज़्यादा अलग उल्टे हो जाते हैं उनको साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हिट कर जाते हैं जैसे मैं आपको बताया आप ऐसे मत बनिए इन ट्रांसफॉर्मेशन से आप यू नो बी अ बेटर पर्सन विद एवरी ट्रांसफॉर्मेशन दैट यू डू विद योर बॉडी बिकॉज माइंड की ट्रांसफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है सो इन सिम्टम्स पर ज़रूर काबू पाइए यू नो सोने की कोशिश करिए अगर नींद नहीं आती तो यू कैन ट्राई टेकिंग जेडमे जेडमे से आपको एक अच्छी नींद की आने की एक होप जरूर हो जाएगी बिकॉज इट्स इट्स मोर ऑफ अ ट्रैंकुलाइजर बहुत माइल्ड ट्रैंकुलाइजर आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी दूसरा अगर आपकी नींद अच्छी होगी तो आपकी ट्रेनिंग भी अच्छी होगी और खाने खाने का तो एक सीधी सी चीज़ जब आपको भूख लगे तभी खाइए क्योंकि क्या होता है ना कि हमें लगता है हम ट्रांसफॉमेशन पर हमें खाना नहीं है हमें खाना नहीं है हमें खाना नहीं है तो साइकोलॉजिकली हमें और भूख लगनी शुरू हो जाती है तो गैज़ उससे आपको दूर रहना खाइए तभी जब आपको भूख लगे और प्लीज़ गेट दिस आर योर माइंड गेट दिस आर योर हेड की यार आ, ये तो हमें तो स्ट्रिक्ट डाइट पर हम तो ट्रांसफॉर्मेशन पे नहीं दिस इज़ नॉर्मल दिस इज़ योर लाइफ स्टाइल अगर जब आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया अडॉप्ट कर लिया ट्रांसफॉमेशन बिकम अलॉट ईजी है गाइज लेकिन वो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते इसीलिए इतने ज़्यादा साइड इफेक्ट्स इतने ज़्यादा सिम्टम्स हो जाते हैं गाइज बिकॉज ये नॉर्मल है गाइज तो so, मैं मुझे लगा कि इस वीडियो के थ्रू मुझे आपसे शेयर करना चाहिए बिकॉज आप इतने लोग मेरे आर ट्रांसफॉर्मेशन करेंट टेन थाउजेंड पीपल आर ट्रांसफॉर्मिंग विद मी सारे मेरे पास ईमेल्स हैं तो गाइज आई आई थॉट दिस विल रियली रियली बी ऑफ हेल्प यू अब प्लीज़ अपने माइंड पे ज़रूर काबू करिएगा बिकॉज उसको काबू करना बहुत ज़रूरी है गैस बहुत ही ज़्यादा है फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो हो जाएगा लेकिन माइंड का ट्रांसफॉर्मेशन भी होना उतना ही जरूरी है होप तो सच चुका है अगर आपके पास भी यही साइड इफेक्ट्स जो मेरे पास थे ट्राई टू कंट्रोल दैम ट्राई टू कप दम एंड ट्राई टू किल दम अब मैं आपको मिलूंगा कल अपने दूसरे वीडियो में जहाँ पे मैं आपके साथ ट्रेनिंग करूँगा जहाँ मैं आपके साथ डाइट बताऊँगा सप्लीमेंट बताऊँगा बट टुडे तो टूडे अ रेस्ट थे आई थोट आई शुड शेयर मेरे अपने एक्सपीरियंसेस साइड इफेक्ट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को देखिए नाउ आई शैल सी यू टुमारो